विधानसभा में राजस्थान की भजनलाल सरकार दो मोर्चों पर जूझ रही है। सरकार के खिलाफ जहां एक तरफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे नेता भी सदन में सरकार की टेंशन बढ़ा रहे। पिछले 15 दिन में 5 ऐसे मौके आए जो वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे नेताओं की वजह से भजनलाल सरकार की विधानसभा में किरकिरी हुई। 3 बार तो सरकार के मंत्री ऐसे फंस गए कि आखिर में उन्हें जांच की बात तक कहनी पड़ गई। सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायकों की इस घेराबंदी से सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं धनगरी न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एक्टिव दिख रही है। हाल ही में वसुंधरा अपने क्षेत्र में स्कूटी से लोगों के बीच पहुंची। उनकी इन तस्वीरों ने सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। उनकी इस तरह से अचानक सक्रियता की भी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, विधानसभा के गलियारों में विधायकों से किया गया उनका एक संवाद भी खूब वायरल हुआ। कहा जाता है कि विधानसभा सत्र के दौरान वसुंधरा ने अपने समर्थक विधायकों को भरोसा देते हुए वेट वी विल फाइट कहा। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कई बड़े नेता खुलकर वसुंधरा राजे का समर्थन कर चुके हैं। इनमें सीकर से पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती का नाम प्रमुख है। सरस्वती बोले कि अगर वसुंधरा राजस्थान की सत्ता में होती तो चूरू और अन्य सीटों पर जातिया कारणों से हम नहीं हारते। विधानसभा सत्र में वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता भदेल काफी मुखर है। पिछले 5 दिनों में अनिता के सवालों से विधानसभा में सरकार की किरकिरी हो चुकी है। 4 दिन पहले अनिता ने पानी नहीं आने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जवाब दे रहे थे। अनिता सवाल से संतुष्ट नहीं थी। स्पीकर ने मौके की नजाकत को समझते हुए जलदाय मंत्री की क्लास लगा दी। स्पीकर वासुदेव देवनानी बोले कि विधायक का सवाल सही है, मेरे शहर अजमेर में भी 4-4 दिन पर पानी आ रहा है, आप इसे अगर ठीक कर देते हैं तो जनता से दुआएं मिलेगी। गुरुवार को भी अनिता भदेल विधानसभा में भजनलाल सरकार की मुसीबतें बढ़ाती नजर आई। सदन में एक विधेयक पर बहस के दौरान अनिता ने यह तक कह दिया कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उन्हें नहीं बोलने दिया जा रहा। दरअसल अनिता बिल पर सरकार को घेर रही थी, लेकिन स्पीकर ने उन्हें समय का हवाला देकर बैठ जाने के लिए कहा। अनिता स्पीकर की बात को इग्नोर कर बोलती रही। इस पर दोनों के बीच नोकझोंक भी हो गई। वसुंधरा सरकार में पावरफुल मंत्री रहे जयपुर के मालविया नगर से विधायक कालीचरण सराफ भी विधानसभा में भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 23 जुलाई को कालीचरण ने गहलोत सरकार के दौरान डायलिसिस मशीन खरीदी को लेकर एक सवाल पूछा। कालीचरण ने कहा कि मंत्री जी बताएं किसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने कहा कि इस खरीद में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इस पर कालीचरण भिदक गए। उन्होंने कहा कि जो अवसर लिखकर आपको दे रहे हैं उसे ही आप पढ़ दे रहे हैं, क्या इस खरीद में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कालीचरण की फटकार से बैकफुट पर आए मंत्री ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। कालीचरण गुरुवार को भी संसदीय कार्य मंत्री को निशाने पर ले रहे थे। दरअसल मानसून की पहली बारिश से जयपुर शहर अस्त व्यस्त हो गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, सब कुछ पटरी पर है और अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई। मंत्री के इस बयान पर कालीचरण भड़क गए। उन्होंने कह दिया कि 3 लोग तो जयपुर में मर गए। कालीचरण के बयान पर मंत्री चुप हो गए। बाद में मुख्यमंत्री ने जयपुर में बारिश से 3 लोगों की मौत की बात स्वीकार करी और उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया। कालीचरण और अनिता भदेल पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। चुनाव बाद अनिता भदेल का नाम तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी चला था। कहा जा रहा था कि विरोध का सबसे बड़ा कारण अनुभवी होने के बावजूद इन नेताओं को बीजेपी की नई सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाना है। दूसरी तरफ भजनलाल सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं उनका अनुभव इन नेताओं से काफी कम है। वसुंधरा सरकार में कालीचरण के पास स्वास्थ्य जैसे बड़ा विभाग था। ऐसे में नेताओं को जब सवाल का जवाब नहीं मिलता तो ये विरोध का मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक और कारण विरोध का ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा है। ऐसे में ये चर्चा है कि अगर ये नेता इस सरकार में मंत्री नहीं बने तो आने वाले वक्त में इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।